हेलो फ्रेंड्स, मंजू मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की चॉकलेट। छोटी जो मिनी चॉकलेट आती है वो हम बना रहे हैं। मैंने ये मोल्ड लिया है और ड्राई फ्रूट्स को मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है। और मैंने यहाँ पे ली है मिल्क चॉकलेट, जिसको मैं इसमें सेट कर रही हूँ। मुझे इसको फुल नहीं भरना है क्योंकि मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाऊंगी, तो ये मैं हाफ से ज्यादा भर रही हूँ। इसको हम सेट करेंगे, टैप कर लेंगे। टैप करने से क्या है, इसके जो एयर बबल्स हैं वो सारे निकल जाएंगे। और अब हम इसमें सेट कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, जो आप इस तरीके से आप इस पे सेट कर सकते हो। आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। ये ब्लूबेरी है, मैं इसको भी इसमें डाल रही हूँ, सेट कर रही हूँ ये इस तरीके से। ये मेरे पास ऑलमंड है, सारी मैंने ये यहाँ पे रोस्ट करके ले रखी है। इसको हम इस तरीके से सेट कर देंगे। आप चाहो तो इसको इधर साइड में आप सेट कर दो, वाइट पार्ट। ये मैं छोटे से स्प्रिंकल से इसमें डाल देती हूँ। इसको हम टैप कर लेंगे। एक इस पे मैं डाल रही हूँ ये जो पम्पकिन सीड्स हैं, ये देखिए ये हैं, और ये ले रही हूँ मैं, इसमें ये ऐड कर रही हूँ। ये भी मैंने रोस्टेड ही लिए हैं। रोस्टेड में से चॉकलेट में एक अलग टेस्ट आ जाता है। ये देखिए हमने इसमें ये ऐड कर दिया। और एक ले रही हूँ मैं यहाँ पे पिस्ता, पिस्ता के कुछ एक फ्लेक्स हैं, ये ले रही हूँ मैं। तो ये हमारी हो गई है फुली ड्राई फ्रूट्स ओवरलोडेड चॉकलेट। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसको टैप कर लेते हैं। आप इसमें चाहो तो एक पीस और आप कट करके डाल सकते हो ब्लूबेरी का, ये इस तरीके से। अब हम इसको टैप कर लेते हैं और इसको हम फ्रिज में सेट होने के लिए रखते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। ये देखिए आपको टैप करना बहुत जरूरी है क्योंकि टैप करने से जो इसमें एयर बबल्स होगी वो सारी निकल जाएगी। और चॉकलेट को हमेशा रूम टेम्परेचर पे रखना है। ये देखिए इस तरीके से चॉकलेट को हमेशा रूम टेम्परेचर पे रखना है। आप इसको इसमें फ्रिज में या फ्रीजर में सेट करके नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर फ्रीजर में आपने सेट करके रखी है, फ्रिज में सेट करके रखी है, सेट होने के बाद आप इसको पैक करके आप रख दीजिए, वो भी रूम टेम्परेचर पे, तो ये आपकी चॉकलेट बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होगी और बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो मैं इसको सेट कर लेती हूँ अभी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे जेम्स चॉकलेट, कलरफुल चॉकलेट बच्चों के लिए स्पेशल। तो यहाँ मैं ये ले रही हूँ, जेम्स लिए हैं मैंने कुछ, जिनको मैंने क्रश कर लिया है। और ये मैं इसमें सेट कर रही हूँ नीचे, ये इस तरीके से सारे मैं इसमें डाल दिए हैं। मैंने यहाँ पे साथ में ली है मिल्क चॉकलेट है, और अब मैं मिल्क चॉकलेट को इस पे पोर कर देती हूँ।
इसको हम टैप कर देंगे अच्छे से ताकि इसमें एयर बबल। ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट ली है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ येलो कलर ताकि ये डबल कलर में हो जाए। मैंने यहाँ पे 3 ड्रॉप डाले हैं, ये देखिए। मैं इसको यहाँ पे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और ये अब हम इस चॉकलेट पे पोर कर देते हैं। ये देखिए इसका कलर, ये हम इस चॉकलेट पे अब अब हम इसको इस तरीके से टैप कर लेते हैं। अब इसको हम सेट होने के लिए रखते हैं 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में, नॉट ए फ्रीजर, फ्रिज में रखेंगे हम इसको ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये नीचे हमने जेम्स डाली हैं, ऊपर नीचे हमने जेम्स डाली हैं और ऊपर हमने डबल कलर में लिया है, तो ये चॉकलेट हमारी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए, आप इसमें चाहो तो साथ में कोई भी ऑयल बेस्ड एसेंस यूज ले सकते हो। मैंने यहाँ पे नॉर्मल वनीला के ही एसेंस यूज लिए हैं। ये देखिए, अभी मैं इसको सेट करके फिर आपको दिखाती हूँ ये कैसे दिखती है। ये मैंने जो ड्राई फ्रूट चॉकलेट्स बनाई थी वो मेरी तैयार हैं। ये देखिए, हम इसको इस तरीके से हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, मेरे को कुछ भी करना नहीं पड़ा, सारी चॉकलेट्स ऑटोमेटिक आ गई हैं। ये देखिए, कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे। ये देखिए, ये देखिए, देखिए आप इसकी शाइन देखिए, कितनी प्यारी शाइन है। जबकि हमने इसमें कोई कोको बटर यूज़ नहीं लिया है, कोई कुछ भी यूज़ नहीं लिया है। ये देखिए, आप इसको छोटी छोटी चॉकलेट्स बना के आप इसको सेल आउट कर सकते हो। छोटी छोटी चॉकलेट्स, मिनी चॉकलेट्स बना के आप इसको सेल आउट कर सकते हो। आप बच्चों के लिए बना सकते हो घर पे। तो ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे अपने फ्रेंड्स को बताइए। और आपको इसके चॉकलेट के बारे में अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चॉकलेट क्लास के बारे में अगर कोई क्वेरी हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चॉकलेट सेट होके आ गई है जो हमने जेम्स चॉकलेट बनाई थी डबल कलर में। ये देखिए, ये देखिए, ये डबल कलर जो ये एक्स्ट्रा है हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए डबल कलर में कितनी प्यारी लग रही है। ये सारी चॉकलेट्स हमने तैयार कर ली हैं।